कन्हैया लाल का जब वहाँ मर्डर हुआ, इस कांग्रेस सरकार के सीएम ने वहाँ तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए देने में भी कितने दिन लगा दिए, और जयपुर में एक मुसलमान का हुआ वहाँ 50 लाख रुपए 10 मिनट में दिया है। डाल कर दिया इस कांग्रेस ने, कांग्रेस में कोई लीडरशिप है ही नहीं। 71 साल कांग्रेस ने पूरे इंडिया की ऐसी तैसी करके रख दी। कांग्रेस है ये दोनों समुदायों को लड़ा करके फलाने जगह दूर भेजा, क्या किसान ने गारंटी दी थी कि आप इस कंपनी को बेचिए? कन्हैया लाल का जब वहाँ मर्डर हुआ, इस कांग्रेस सरकार के सीएम ने वहाँ तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए देने में भी कितने दिन लगा दिए, और जयपुर में एक मुसलमान का हुआ वहाँ 50 लाख रुपए 10 मिनट में दिया है सीएम तुम्हारा। क्या करती है कांग्रेस? कांग्रेस मुल्लू की पार्टी है, क्या लेने देने कांग्रेस का? बिल्कुल बाबूजी, जब अपने एक मुसलमान मरता है तो उसके लिए करोड़ों रुपए का पैकेज आ जाते हैं, सरकारी नौकरी आ जाती है, और एक हिंदू की जब हत्या होती है, लोकतंत्र में सिर्फ योगी मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा कुछ नहीं है। बंटा डाल कर दिया इस कांग्रेस ने, कांग्रेस में कोई लीडरशिप है ही नहीं। 71 साल कांग्रेस ने पूरे इंडिया की ऐसी तैसी करके रख दी। अगर देश बचाना है तो नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बाकी कोई लेना देना नहीं। बीजेपी को किस कारण से वोट? हाँ बताओ, बीजेपी को अगर वोट देना है तो सबसे पहले हिंदुत्व को सोचो। आप हिंदू हो, अगर इसको बचाना है तो बीजेपी को वोट बहुत जरूरी है। सनातन को बचाना है तो लोकतंत्र में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात ये है कि बीजेपी जो है वो प्रगतिशील पार्टी है, कांग्रेस है ये दोनों समुदायों को लड़ा करके और इनके एक पक्ष को अग्रणी करके और मुसलमानों का पक्ष लेती है। इसमें ये है कि जब कन्हैया लाल का मर्डर हुआ उस टाइम गहलोत साहब ने इंटरनेट को बंद करके और उनको बचाने का काम किया, ना कि उनको अरेस्ट करने का, और कन्हैया लाल के परिवार को कोई सपोर्ट नहीं किया गया और उसको वापस प्रताड़ित किया गया। इसलिए हम ये चाहते हैं अगर सनातन जिंदा है तो हिंदू जिंदा है और देश जिंदा है। टेलीफोन व्यवस्था के ऊपर आप सहमत हैं? जो 12वीं में पढ़ने वाले बच्चियों को टेलीफोन दिया जा रहा है, आपकी भीवाड़ी से गई, डूंगरपुर से गई, क्या ये हनी ट्रैप का मामला नहीं बन सकता? बच्चियों को 3 साल तक फ्री इंटरनेट दिया जा रहा है और आप देख रहे हो टेलीफोन से, आपकी यहीं की उल्टियाँ पाकिस्तान जा रही है ना, तो आप टेलीफोन का दुष्प्रभाव समझोगे या सही प्रभाव? दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव समझो, टेलीफोन का पूरा पूरा दुष्प्रभाव। खाद्य सामग्री वगैरह और 10,000 रुपए है, और जो योजना है अभी लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, क्या आप इससे सहमत है? ये 10 साल से पहले दे सकता, राहुल गांधी दे सकता था। कांग्रेस में सबसे सीनियर लीडर ये राहुल गांधी को मानते हैं। जब कांग्रेस की सरकार बनी, बोर्ड बना, राहुल गांधी ने कहा कि जब गवर्नमेंट का गठन होगा 10 मिनट में कर्ज किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। क्या करके गया वो? पप्पू है, उसको कोई अता पता ही नहीं है राजनीति का। अनुभवी आदमियों को वोट देने चाहिए और लोकतंत्र में सिर्फ एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए और कुछ नहीं। 75 से ऊपर ही मान लिया। आपने कांग्रेस के शासन काल में कितने सालों तक शासित रहे? कांग्रेस को सरकार तो चाहे कहें कि भी वो आई बड़ी है। आप अपना मताधिकार बताइए ना। हम तो बीजेपी से ही। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कांग्रेस में सरकार चाहिए। काम करना काम यार, तो ऐसा है किसान एक ऐसी है, हमें तो जो किसानों का हित करे वो सरकार की, लेकिन मायने में दोनों सरकारें ही विफल रही है। जैसे ईस्टर्न कनाल का मुद्दा है, तो यहाँ देखिए जो अपने विधायक खड़े हुए हैं कोई जिक्र नहीं करता, सब यही कहते हैं भाई मेरे को विधायक बना दो, मेरे को बना दो। जो मेन मुद्दे जनता के वो कोई बीच में लेके नहीं आ रहा है। कांग्रेस सरकार है वो भी वादों में पूरी तरह से विफल रही है। जैसे कर्ज माफी का है, ईस्टर्न कनाल का है,
और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, बिजली का है, जैसे पहले ट्रांसफार्मर 72 घंटे देती थी सरकार, अभी 72 दिन में नहीं मिल रहे हैं। और दूसरा, अभी हमारे यहाँ अतिवृष्टि हुई थी पिछले दिनों। आपकी सरकार की मत है भारतीय जनता पार्टी, वो क्यों? लोकतंत्र को अगर बचाना है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार होगी वही काम कर पाएगी, नहीं तो लोकतंत्र बड़ा खतरे में है। कांग्रेस सरकार तो वैसे मोम दोनों की पार्टी, जैसे कि आपने कहा मोम दोनों की पार्टी है, तो उस पर भी मतलब आपकी कोई विचारधारा साफ सुथरी है। लोकतंत्र को सिर्फ नरेंद्र मोदी बचा सकता है, इसके अलावा हिंदुस्तान का कोई धनी दौरी नहीं। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से सरकार बना रही है। बैरोड विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 40,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता है। बीजेपी के कुछ बढ़िया काम वगैरह जो आप बताना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राज में जो काम हुए हैं उसके मुकाबले में आज बिल्कुल जीरो है। किसी भी तरफ का रोड ले लो उठा के, बैरोड में स्टेडियम ले लो, नीमराणा में फैक्ट्री जोन ले लो, सब भारतीय जनता पार्टी के टाइम का ही काम किया हुआ है, बाकी कोई लेना देना। तो आपको कांग्रेस से मतलब किसी प्रकार कोई अपेक्षा नहीं? बिल्कुल नहीं है। फ्री की रेवड़ियां बांट लो, चौथी बाकी लेना नहीं देना। अभी आप देखते हो वर्तमान के अंदर मोदी के अलावा उनको डेढ़ महीने से वो कहते हैं कि हमने के अंदर जो पाउडर जाता है, दूध पाउडर जाता है, वहाँ दे दिया है। इस कारण किसानों को भुगतान नहीं किया। कल हमने उनसे बात नहीं किया, आप किसानों के दीपावली आ रही है, फैक्ट्री वाले बोनस देते हैं, राज्य केंद्र सरकार कर्मचारियों को बोनस देती है, लेकिन जो किसान अपनी आजीविका पशुपालन और खेती के ऊपर निर्भर है उसको डेढ़ महीने से, जबकि 10 दिन के अंदर पेमेंट होता है हर डेयरी का, और उसने डेढ़ महीने से किसानों को पेमेंट नहीं दिया है, और इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। कल हमने MD से बात की, अब सभी लोगों को एक ही चीज़ कह के डाल दी है, हमने फलानी जगह दूध भेजा था, क्या किसान ने गारंटी दी थी कि आप इस कंपनी को बेचिए? राजस्थान में किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहेंगे? बाबा वालंगनाथ। हमें लगता है कि योगी भाई बढ़िया है, पत्रकार तो मतलब आप उनकी तुलना योगी से कर रहे हैं, उनकी की सरकार है बताओ।